अखरोट आगे नहीं होता फिर बंदा कहाँ। ये अखरोट अभी पड़ा ना आपके सामने, कोई बात नहीं यार, जाएंगे नीचे इतने बंदे उठाने वाले इस टाइम उठाएंगे, बाद में मिलेंगे भी नहीं। पूरा इलाका डैमेज। थोड़ा लेना था वो फोटो, उस तरफ ज्यादा जा रहा है नुकसान, फिर अभी खेत में उतना पड़ेगा नीचे, इधर है थोड़ा सा। ये अभी गिरा, ये बड़ा वाला, वो उधर से जाएंगे, किसी के पास नहीं उधर, नहीं जनाब जाएंगे सब, नहीं होगा ऐसे यार, क्या नीचे होंगे, ये पैर किस नीचे मकान के है, इसके साथ में भी उस तरफ भी तीन मकान चार हैं। हम सुबह से यहाँ पे आए, हमने पूरा जायजा किया और यहाँ पे हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम साहब आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, एसएचओ साहब भी आए थे, वक्ती तौर की जो उन्होंने जायज़ा लिया और उस पर कंडीशन को देखते हुए उन्होंने ये तो हेल्प की है कि टेंट वगैरह देने की या तिरपाल वगैरह अरेंज करने की, खाना वगैरह का अरेंज किया है, इसके लिए हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम ये मुद्दमाना गुजारिश करते हैं कि जो यहाँ पर नुकसान हुआ है आवाम का, तो इनको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। अभी भी हम देख रहे हैं बच्चे बाहर हैं, पिछले तीन दिन से लोगों ने खाना भी नहीं खाया, ना ही बच्चों ने खाया और घरों से बहुत मुश्किल से निकाला, अपना घर कोई इतने आसानी से नहीं छोड़ता है और आज भी कई घर ऐसे हैं जो अभी स्लाइडिंग के खतरे में हैं। अभी तो 40-42 के रेंज में बताए जा रहे हैं कि इतने घर डैमेज हुए हैं, लेकिन ये बरसात का दौरान है, आज भी स्लाइडिंग चल रही है, हो सकता है 50-60 कुंभे जो ऐसे हैं रात को सड़कों पर आ जाएँ, और हम गुजारिश करते हैं कि आज ही इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए जहाँ पे ये अपना दरगुजर बसर कर सकें और बच्चों को भी महफूज पा सकें। करम जी, मैं तो यही क्या एल जी साहब से ही रिक्वेस्ट करती हूँ, डीसी मैडम से भी, जल्द से जल्द इन लोगों को रिलीफ दिया जाए और इनको प्लाट दिए जाएँ, इनका अरेंजमेंट किया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये लोग रोडों पे हैं और ऊपर से बारिश का मौसम है, अभी भी बारिश होना जारी है और ये स्लाइड चल ही रही है, बाहर बच्चे भी बाहर तो बड़े भी बाहर, ना कोई स्कूलों का, उनको स्कूल भी नहीं जा सकते हैं बच्चे, जब उनको किताबें अंदर बह गई हैं, मतलब डैमेज हो गई, किताबें कपड़े कुछ भी नहीं निकाल सके ना घर से, वो कुछ भी नहीं निकाल सके, खाली खाली निकले हैं, रात को कोई, दिन को कोई, रात को पूरी दो तीन दिन से पूरी रात को लोग चलते रहे, निकलते रहे, बाकी इलाके के लोगों ने भी हेल्प की है उनकी, मगर मेरी यही सबसे ज़्यादा गवर्नर साहब से और डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि तरपाल और टेंट में नहीं रहा जा सकता, प्लीज़ मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द यहाँ का दौरा किया जाए और इनको प्लाट दिया जाए और इनके कहीं मकान बनाए जाएं जहाँ ये सर्दियों का मौसम आ रहा है, आगे से ये कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके, कहाँ रह पाएंगे, जब वो खुद ही रोड पे खड़े हुए हैं तो उनका कोई अरेंजमेंट ही नहीं है कोई, अल्लाह के लिए यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इनको।